Hey friends, welcome to my YouTube channel Srishti's Assisting Classes. हम लोग पढ़ रहे थे Class 1 Political Science के Chapter 6 Political Parties के बारे में. Previous video में हम लोगों ने चार National Political Party के बारे में discuss किया था. वो party कौन-कौन से थी? BJP, Indian National Congress, All India Trinamool Congress Party and Nationalist Congress Party. आज के इस video में हम लोग तीन और National Party के बारे में discuss करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले है BSP, बहुजन समाज पार्टी, और इस पार्टी का सिंबल क्या है? एलिफेंट, ब्लू बैकग्राउंड के साथ ब्लू बैकग्राउंड रहता है, फिर उसमें एक एलिफेंट है. आप लोग ऐसा सा फ्लैग भी देखे होंगे. सो BSP का सिंबल क्या है? एलिफेंट. अब BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी, ये कब फाउंड हुई थी? 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम लीडर थे, उन्हीं के द्वारा 1984 में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, इस पार्टी का फाउंडेशन हुआ था. और एट प्रेजेंट आज के रेट में इस पार्टी का कमांड किसके हाथ में है? मायावती के हाथ में है. क्लियर? चलिए अब इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है. इस पार्टी की आइडियोलॉजी ये है कि ये बहुजन समाज यानी कि उसको पावर देना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहती है. तो यहाँ पे बहुजन समाज यानी कि कैसे कैसे लोग, दलित्स हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए, OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आदिवासीज, तो इन सारे ग्रुप्स को वो क्या करना चाहती है कि उनको पावर देना चाहती है और उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है. क्लियर? उसके बाद BSP यानी कि ये जो पार्टी है, ये चार ऐसे लीडर हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे, उन्हीं की आइडिया पे ये लोग वर्क करती है. वो चार लीडर कौन कौन से हैं? साहू महाराज, महात्मा फूले, बाबा साहेब अंबेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर. ये चारों लीडर जब थे उस वक्त, इन चारों लीडर का आइडियोलॉजी क्या था? ये लोग सोशल रिफॉर्म्स को एम्फेसिस करते थे, ये लोग सोशल रिफॉर्म्स पे काम करते थे. तो इन्हीं चारों की आइडिया को लेके बहुजन समाज पार्टी भी चलती है और सोशल रिफॉर्म्स का काम करती है, यानी कि दलित आदिवासी इन लोगों को पावर देती है, इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? नेक्स्ट, मेन बेस इन UP, उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट. इसका जो मेन बेस है यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो मेन बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा, और उसके बाद उसके जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे भी उनका अच्छे से एक इम्पोर्टेंट वे में उनका वहाँ पे प्रेजेंस है. वो इम्पोर्टेंट वे यानी कि और कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, तो इन सारे स्टेट में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रेजेंस, इम्पोर्टेंट रोल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे भी ये प्ले करती है. क्लियर? नेक्स्ट, इन 2004 लोकसभा इलेक्शन, 2004 के लोकसभा इलेक्शन में इनको कितने वोट्स मिले थे? 5% ऑफ टोटल वोट्स मिले थे एंड 19 सीट्स मिले थे. क्लियर? और 2014 में इन लोगों को कोई भी सीट नहीं मिला था. 2014 के इलेक्शन में इन लोगों को कोई भी सीट नहीं मिला था. सो दीस आर ऑल अबाउट BSP, बहुजन समाज पार्टी. क्लियर? नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जो है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. और इसी, जब ये पार्टी स्प्लिट होती है तो इसी पार्टी से निकल के आता है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. चलिए शुरू करते हैं. इस पार्टी का सिंबल क्या है? तो एक ग्रास है और हल जैसा है. अगर आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपनी NCERT बुक को जब रीड कीजिएगा, आपके NCERT बुक में अच्छे से सारे नेशनल पार्टी का सिंबल दिया हुआ है. क्लियर? चलिए शुरू करते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी? 1925 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और ये पार्टी 1964 में जाके स्प्लिट हो गई थी, और उसी से निकल के एक CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट निकल के आती है. क्लियर? अब इस पार्टी की जो है वो आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिस्ट, इसी वर्ड में छुपा है एक वर्ड, कम्युनिज्म. बहुत सारे बच्चे जो क्या है वो कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म इन दोनों वर्ड के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. इन दोनों वर्ड के बीच में कंफ्यूज नहीं होइएगा.
क्योंकि ये जो पार्टी है ये कम्युनिज्म के सपोर्ट में थी और ये अगेंस्ट किसके थी, कम्युनलिज्म के वर्ड सॉरी कम्युनलिज्म के अगेंस्ट थी। अब इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म। क्या कम्युनिज्म का मतलब होता है कि वो पार्टी यानी कि जो एक साथ सभी को लेके चले, यानी कि एज फॉर एग्जांपल सारे रिसोर्सेस को एक साथ पूल करना, यानी कि अगेंस्ट कैपिटलिज्म। क्लियर। और कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, वो आइडियोलॉजी जिसमें रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड कर देना। क्लियर। तो इन दोनों बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या थी, कम्युनिज्म के सपोर्ट में थी और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट थी। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियोलॉजीज की क्या थी, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का मतलब तो आप लोगों को पता है और इतने सारे वीडियो में आप लोगों ने बार बार सुनते भी आया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजीज में कम से कम डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना ये था ही। सो अब मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म क्या है, तो मार्क्सिज्म यानी कि कार्ल मार्क्स, और जो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट का जो आइडिया है कि सबको एक साथ लेके चलना है, ये आइडिया भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। ये आप लोगों को इसका डिटेल 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो मार्क्सिज्म यहाँ पे कार्ल मार्क्स के लिए यूज होता है और लेनिनिज्म यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, व्लादिमीर लेनिन के लिए। व्लादिमीर लेनिन की जो आइडिया थी वो क्या थी कि वर्किंग क्लास के हाथ में पावर होना चाहिए, यानी कि डिक्टेटरशिप का एस्टैब्लिशमेंट। ये भी आप लोग रशियन रिवॉल्यूशन 9th क्लास के चैप्टर में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के आइडिया को पे बिलीव करती थी और नेक्स्ट सेक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म के अगेंस्ट थी। कम्युनलिज्म का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, सक्सेशनिज्म का मतलब कि देश से अलग हटने की जो टेंडेंसी होती है उसे सक्सेशनिज्म बोलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान इंडिया से अलग होना चाहता था तो वो हमारी कंट्री से अलग हुआ और उसी वजह से वो इस पार्टी से यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी अलग हो गया। क्लियर। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या करना चाहती थी कि वर्किंग क्लास को, पुअर्स को, फार्मर्स को, इन सब को और अच्छे से प्रमोट करना चाहती थी, इन लोगों को इंटरेस्ट देना चाहती थी, मतलब हर चीज में इनका वेलफेयर हो, इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो, ये सारे काम वो करना चाहती थी। और केरल हो गए, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होता है। क्लियर। स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है इसे, यानी कि इसका स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और मैंने बोला था राइट विंग पार्टी, सेंट्रलिस्ट पार्टी एंड लेफ्ट विंग पार्टी। राइट विंग पार्टी क्या होती है, सेंट्रलिस्ट पार्टी क्या होती है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता चुका है। तो इन दोनों को आप रिकॉल कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट इज राइट विंग पार्टी एंड व्हाट इज सेंट्रलिस्ट पार्टी। चलिए अब व्हाट इज लेफ्ट विंग पार्टी वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक लेफ्ट विंग पार्टी थी, यानी कि वैसी पार्टी जो चेंज चाहती थी। क्लियर। वॉन्ट चेंज, वैसी पार्टी जो चेंज चाहती थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट विंग पार्टी। और आज के डेट में यानी कि एट प्रेजेंट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो यूपीए कोलिजन गवर्नमेंट की एक मेंबर है। क्लियर। और हाँ, दिस इज ऑल अबाउट सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में, जो किससे निकल के आया है, 1964 में जब ये स्प्लिट हुआ था उसी से निकल के आया है। क्लियर। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में, जो किससे बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जब उसका स्प्लिट हुआ था 1964 में, उसके बाद ये पार्टी निकल के आई थी। चलिए अब इसका सिंबल क्या है, वही एक हल और एक हैमर जैसा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। सीपीआईएम ये कब फाउंड हुआ था,
वही होगी, यानी कि सपोर्ट ऑफ कम्युनिज्म एंड अगेंस्ट कम्युनलिज्म। क्लियर? तो ये भी मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म के सपोर्ट में थी। और ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है, यानी कि मार्क्सिज्म किसके लिए है और लेनिनिज्म किसके लिए है, ये मैंने अभी जस्ट आपको NCPI में बताया था, तो आप लोग उसे रिकॉल करिए। उसके बाद सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म इन सब के सपोर्ट में थी और कम्युनलिज्म के अपोज थी, यानी किसके अगेंस्ट में थी। उसके बाद ये पार्टी जो थी वो क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स एंड कैपिटल्स। क्लियर? तो ये पार्टी क्या सोचती थी, ये पार्टी क्या करना चाहती थी कि ये तो थी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट से जुड़ा है लिबरलाइजेशन, यानी कि उसके भी अगेंस्ट ये लोग अपना खुद कोई भी काम अपना करना चाहती थी। क्लियर? तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि जो भी फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स हमारे कंट्री में आ रहा है उससे हमारी सोसाइटी है वो और ज्यादा एक्सप्लॉइट होगी, उसमें उसके वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में कैपिटलिस्ट का जो आइडिया है वो आएगा। तो वो लोग इसके अगेंस्ट थे, वो लोग ये नहीं करना चाहती थी। क्लियर? और इस पार्टी का जो सपोर्ट था, मतलब इस पार्टी को कौन कौन सपोर्ट करता था, तो इंटेलिजेंसी और फिर एग्रीकल्चरल फार्मर्स, फिर पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, इन सारे लोग इस पार्टी का सपोर्ट करते थे। और इस पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो कहाँ कहाँ पे था, वेस्ट बंगाल में, केरल में एंड त्रिपुरा में था। सॉरी। उसके बाद इस पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट विदाउट ब्रेक, यानी कि बिना टूटे 34 इयर्स तक वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूअस उसका जो भी पावर था वो चलते रहा। क्लियर? और करेंटली ये UPA कोलिशन गवर्नमेंट की मेंबर है और उसी में काम कर रही है। तो इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि टोटल 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोगों को पढ़ना था, वो आज इस वीडियो के साथ खत्म होता है। मेरे नोट्स में आप लोगों को मैंने अपना नोट्स वीडियो पार्ट 3 में डाल चुका है, तो आपको मेरे नोट्स में एक 8 यानी कि लास्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मिलेगा, जो है नेशनल पीपल्स पार्टी। इस पार्टी के बारे में मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, बट इस पार्टी के बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है? बस मैं एक बता देती हूँ हल्का सा कि NPP नेशनल पीपल्स पार्टी ये कब फॉर्म हुआ था, तो 2013 में फॉर्म हुआ था। और इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल ये बुक। क्लियर? इस पार्टी के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये पार्टी आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ है, केवल ये मेरे नोट्स में था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बस एक हल्का सा ये इम्पोर्टेंस इसका बता दिया कि क्या है, सॉरी इम्पोर्टेंस नहीं, इसके बारे में बता दिया ये पार्टी कब बनी थी और इसके सिंबल क्या है। और ये पार्टी बनी थी NCP जब स्प्लिट हुई थी 2013 में, उसी पार्टी से निकल के NCP का जब स्प्लिट हुआ उसी में से एक पार्टी ये भी है, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसका सिंबल है बुक। और 2013 में ये अंडर द लीडरशिप ऑफ PS संगम ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? सो इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थे और जितने भी मेरे नोट्स में है उन सारे के बारे में मैंने आपको बता चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।